हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, मदरसन सुमित सिस्टम लिमिटेड की बात करते हैं, MSSL की बात करते हैं। इस वीडियो में ऑटो सेक्टर रिलेटेड ये कंपनी है। स्टॉक प्राइस 255 से 260 264 के बीच कारोबार कर रहा है आज 2/6/2021 में। इसका चौथी तिमाही के नतीजे आने थे, तो किस तरह के नंबर्स रहे हैं, आंकड़े कैसे रहे हैं, तो उसको चेक करते हैं। और डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स को, तो क्या डिविडेंड दिया है, और एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है मदरसन सुमित सिस्टम लिमिटेड ने। और डेप्ट क्या है कंपनी के ऊपर, पिछले कुछ समय से खबरों में भी बना हुआ है। सबसे पहले जो नतीजे आए हैं Q4 के, उसको चेक करते हैं क्या रेवन्यू और प्रॉफिट रहा है। Q4 का जो रिजल्ट का अपडेट दिया है, चौथी तिमाही के जो नतीजे दिए हैं, उसके नंबर्स को देख लेते हैं। और नंबर्स जो है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31, 2021, और नंबर्स जो है करोड़्स में है ये। अब की बार के जो नंबर्स है इस कॉलम है 31/3/2021 का, और 31/3/2020 का ये कॉलम है एक साल पहले का, और Q3 का दिसंबर के क्वार्टर का ये कॉलम है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16,836 करोड़ का रहा है, पिछली बार था 14,281 करोड़ का, और Q3 में था 16,992 करोड़ का। तो एक तरह से पूरा इनका जो अदर इनकम रहती है, और टोटल रेवेन्यू को देख लेते हैं, टोटल इनकम क्या रही है उसको चेक कर लेते हैं। 17,033 करोड़ का रेवेन्यू है अब की बार, इनकम है Q4 में, और Q3 में था 17,157 करोड़ का, और पिछले साल 14,454 करोड़ का। तो पिछले साल के अनुसार एक तरह से रेवेन्यू बढ़ के आया, बट ये है कि Q3 के हिसाब से कम है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए एक्सपेंसेस का ये कॉलम दिया है, टोटल एक्सपेंसेस में देख लेते हैं क्या है। टोटल एक्सपेंसेस है 16,142 करोड़ का एक्सपेंसेस किया है, और पिछली बार था 14,108 करोड़ का एक्सपेंसेस था, और दिसंबर के क्वार्टर में 16,170 करोड़ का। तो रेवेन्यू जो है 17,033 करोड़ का हुआ है, और एक्सपेंसेस 16,142 करोड़ का हुआ है, और पिछले साल किया था 14,108 करोड़ का एक्सपेंसेस था, और रेवेन्यू भी एक तरह से उसी के आसपास था। बट ये कि Q3 के हिसाब से, जो दिसंबर के क्वार्टर था उसके हिसाब से देखते हैं, तो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा था और जो एक्सपेंसेस है उसी के आसपास है। तो अब सीधे प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, उसमें कंपनी ने क्या प्रॉफिट गेन किया है। नेट प्रॉफिट है 713 करोड़ का है नेट प्रॉफिट, और पिछले साल था 183 करोड़ का था, और दिसंबर के क्वार्टर में 798 करोड़ का। तो इसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा जंप आया, 713 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बट ये है कि दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। एक EPS अर्निंग पर शेयर को देखते हैं। देखिए अर्निंग पर शेयर है 1.72 का है, पिछली बार था 0.29 का। तो पिछले साल तो काफ़ी नीचे के लेवल पे स्टॉक भी था ये, और दिसंबर के क्वार्टर में देखिए 2.09। तो एक तरह से देखिए दिसंबर के हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, एक तरह से उछाल है। तो रिजल्ट एक तरह से बढ़िया है, और साल दर साल के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और खबरें भी काफ़ी बनी हुई थी इसमें। डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को कंपनी ने, चौथी तिमाही में डिविडेंड भी रिकमेंड किया है 1.50 रुपीज़, और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने चौथी तिमाही में। नेट डेप्ट की बात करते हैं, कंपनी का जो नेट डेप्ट है क्या रहा है मार्च 2021 में। देखिए ग्रॉस डेप्ट है 10,758 करोड़ का, और कैश है 5,938 करोड़ का, और टोटल जो नेट डेप्ट है 4,820 करोड़ का। तो पिछली बार देखिए 11,790 करोड़ का था मार्च के क्वार्टर में, और कैश था 4,873 करोड़ का, और नेट डेप्ट था 6,917 करोड़ का। तो एक तरह से इनके पास कैश अभी 5,938 करोड़ का है, बट उसके अनुसार देखते हैं तो नेट डेप्ट 4,820 करोड़ का है, और ग्रॉस डेप्ट जो है 10,758 करोड़ का। इस क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं, देखिए दिसंबर के क्वार्टर में 6,206 करोड़ का था, और वहाँ से घट कर 820 करोड़ का। बेसिकली ये जो कैश है वो बड़ा है, 5,938 करोड़ का कैश है इनके पास, और ग्रॉस डेप्ट है 10,758 करोड़ का। तो ये नेट डेप्ट की बात है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 61.73 की है मार्च 2021 में। इसमें 4.21% का प्लेस शेयर भी है, पिछली बार भी 61.73 का था, तो एक तरह से मेंटेन है, बट जो प्लेस शेयर थे वो कम हो गए।
तो स्टॉक एक तरह से भाग के ऊपर की तरफ आया है। फाइज के ऊपर ध्यान देते हैं तो देखिए फाइज की जो होल्डिंग है 16.64 की है मार्च 2021 में, और पिछली बार था 15.5 का। तो एक तरह से फाइज जो हर क्वार्टर में इसमें खरीद फरोख कर रहे हैं, अब की बार फिर से इन्होंने बढ़ाया है 16.64 का। और डीआईज ने क्या किया, देखिए डीआईज का जो है 13.42 का है अब की बार, और पिछली बार था 13.55 का। अब देखिए इसमें एक सीख भी मिलती है कि डीआईज और एफआईज जो है हर क्वार्टर में थोड़ा बहुत खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है तो उनको भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। फिलहाल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते तो एक साल का जो रिटर्न है 157% का है, तीन साल का जो रिटर्न है 28% का है। तो एक तरह से तीन साल से जिन्होंने रखा है मदरसन सुमी को तो उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, बट पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हुआ है इसमें। काफ़ी लोअर लेवल पे था ये जब लगभग 50-60 रुपये के आसपास था, और एक साल का रिटर्न बढ़िया है। दोस्तों एक नज़र चार्ट पैटर्न में डालते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 2/6/2021 को 267 रुपये में पहुंच गया दोस्तों, और इसका लो है 235। आज ज़बरदस्त उछाल के साथ ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, रिजल्ट आया एक तरह से। देखिए अभी वीडियो बनाते बनाते ऊपर की तरफ पहुंच गया है, 267 में पहुंच गया, तो आज लग रहा है कि लगभग 15-20% का एक तरह से तेज़ी होनी चाहिए। अब इसका जो टारगेट होगा दोस्तों लगभग 280-290 तक का होगा, और आने वाले समय में ये 300 को भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। एक बुलिश मोड बना हुआ है इसमें, बट ये है कि करेक्शन भी होता है, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं वो एक तरह से प्रॉफिट भी बुक करते हैं। तो एक तरह से देखिए अब इसका जो अगर कोई प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहता है अगर किसी के पास डिलीवरी है तो सबसे पहले तो 247 का होगा। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है, एक बार ध्यान रखिएगा अगर कोई भी ट्रेड करता है इसमें। और उसके बाद देखिए जो स्टॉप लॉस होगा जो आज का लो है 233, अगर ये डाउनफॉल में मिलता है तो एक तरह से बाई करना चाहिए, बट जो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको 2% या 3% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रेडिंग का रूल है। और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, ये काफ़ी नीचे की तरफ आया था पिछले साल जब गिरावट हुई थी, लगभग 60-70 रुपये के आसपास था, वहाँ से एक तरह से धीरे धीरे बढ़ा, फिर खबरें भी बीच में आने लग गई थी तो आने वाले समय में खबर भी बनी रहेगी। तो एक तरह से मदरसन सुमी आने वाले समय में भी अच्छा खासा गेन हो सकता है। और जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं यानी ट्रेडर्स हैं, जैसे अगर हमने अगर 200 रुपये में ख़रीदा है तो एक तरह से हमारा स्टॉप लॉस जैसे जैसे बढ़ता है तो 4-5% का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के। लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से बने रहना चाहिए दोस्तों इसका, और 280-290 के आसपास अगर दिखता है आने वाले समय में तब फिर अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। और डाउनफॉल अगर दिखता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। तो ये इस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल अभी भाग रहा ऊपर की तरफ है, और RSI को देखते हैं तो देखिए एक तरह से ये पहुंच गया आपका 73, थोड़ा सा अलर्ट है ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और 70 और 75 के आसपास रहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो फिर संभावना ये रहती है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो बुलिश मोड में बना हुआ है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर का टारगेट एक सेट करिए 280-290 का, आने वाले समय में आज ही हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, तो फिर उसके अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को। लॉन्ग टर्म वालों को डिविडेंड लेना चाहिए और बने रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ की बात आ रही है तो ऑटो सेक्टर में और तेज़ी की होने की संभावना रहेगी, और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति बनी हुई है चार्ट के अनुसार, रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात थी। रिजल्ट को देखते हैं तो इम्प्रूवमेंट हुआ है साल दर साल के हिसाब से, प्रॉफिट भी बढ़िया आया है, डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, तो बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों को। शॉर्ट टर्म वालों को अपने स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए, और प्रॉफिट मिलता है तो मुनाफा वसूली अपने हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों ये मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का अपडेट था। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।